हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई योर अजय पंडित सर, गुढ़ा एजुकेशन ऑफ गुढ़ा गौरजी झुंझुनू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके, इन अदर वर्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सो इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स, ओके। ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू ब्रेकन डाउन इनडायरेक्टली ब्रेकन डाउन न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल लाइक एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ईटीसी, ओके। इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन यूटिलाइज की जाती है किसके द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, ठीक है। टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं एंड ऑक्सीजन का यूज इनडायरेक्टली किस लिए किया जाता है, ब्रेकन डाउन न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल लाइक एज ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं आदि को, ठीक है, इसको ब्रेकन डाउन करने के लिए। अब ब्रेकन डाउन करने के लिए क्यों किया जाता है, बिकॉज क्योंकि ग्लूकोज एमिनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स के ब्रेकन डाउन से क्या होता है, डेराइव एनर्जी, ओके। क्या होता है, डेराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी में अनेक क्या होती है, एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, और उस एनर्जी को रिक्वायर को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है किसको, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड, ओके। ग्लूकोज एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड कहां से प्राप्त होते हैं हमारी बॉडी में, तो स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की। तो डाइजेशन में हमने देखा था कि फूड इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, एंड मेन कंपोनेंट्स या मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ओके। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस ग्लूकोज, ठीक है ना, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड्स एंड डाइजेशन ऑफ बाय द लिपिड्स फैटी एसिड, ओके। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त हुआ हमें, ग्लूकोज, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन से क्या प्राप्त हुआ, एमिनो एसिड्स एंड डाइजेशन ऑफ लिपिड से क्या प्राप्त हुआ, फैटी एसिड, ओके। ये हुए, अब इनका जब तक क्या नहीं किया जाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं किया जाएगा तब तक क्या नहीं प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। इसलिए क्या होता है कि हम रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, कहां से, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से, ओके। यानी एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से हमने क्या की, ऑक्सीजन इनहेल, देखो देखा होगा अपन क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है ना, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। एंड ब्रीथिंग या वेंटिलेशन क्या होता है कि हमने क्या किया कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको इनहेल किया, उसको हमने क्या नाम दिया, ब्रीथिंग, ओके। तो ब्रीथिंग के थ्रू हमने क्या किया, एयर को इनहेल किया, और एयर में क्या था, और ये एयर क्या थी, फुल ऑफ ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन इनहेल की हमने, और ये ऑक्सीजन हमारे क्या, लंग्स के थ्रू कहां पहुंचती है, हमारे ब्लड में, और ब्लड से क्या पहुंचती है, टिश्यू से सेल्स में, और सेल्स के थ्रू, और सेल्स में क्या हुआ, ब्लड के थ्रू ऑलरेडी क्या पहुंचा दिया, ग्लूकोज पहुंचाया। इसका मतलब ये O2 किससे रिएक्ट करेगी, ग्लूकोज से, और इस ग्लूकोज को क्या करेगी, ब्रेकन डाउन, और इस ग्लूकोज के ब्रेकन डाउन से हमें क्या, CO2 रिलीज होती है, ओके, जो कि क्या, एक हार्मफुल गैस जिसको हम क्या करते हैं, एक्सहेल द्वारा,
ठीक है ना, बाहर क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, किसमें, लंग्स टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में, ओके। और CO2 और क्या होगा, H2 एंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, और इस एनर्जी को सेल क्या कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है, ओके। यहां तक हुआ, तो अब हम फर्स्ट ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने अभी बात नाम लिया है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल गैस, ओके, विच इज, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, ओके। देखो नॉर्मल वे में तुमने देखा होगा, हम पूछते हैं कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो हम क्या बोल देते हैं कि गैसियस एक्सचेंज ऑफ, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एक्सटर्नल एटमोस्फेयर एंड लंग्स, ओके भाई, हमारे जो लंग्स एंड एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है कि O2 को इनहेल किया जाता है, ठीक है, और CO2 को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। व्हाट इन अदर वर्ड, रेस्पिरेशन की जो मेजर ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्पिरेशन का मेजर ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्पिरेशन का मेजर ऑब्जेक्ट है एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोवाइड कराना हमारी किसके लिए, सेल्स के लिए, ओके। तो सेल्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराना है, तो अगर अपन प्रॉपरली देखें तो रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक इज ग्लूकोज एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड ऑकर इन सेल, ओके, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ, इसका मतलब रेस्पिरेशन की जो मेन डेफिनेशन है ना वो हमने कहां से ली, क्योंकि इसका मेजर ऑब्जेक्ट क्या है, एनर्जी रिलीज करना, ओके तो एनर्जी रिलीज करना है, तो इसलिए हम बात करें प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू एंड सेल, सॉरी इन सेल, एंड एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ओके, दिस इज रेस्पिरेशन डेफिनेशन, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे स्टेजेज ऑफ रेस्पिरेशन की, ठीक है, स्टेजेज ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो देखो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जीएस कार्टर, एक साइंटिस्ट थे, नाम क्या था, जीएस कार्टर, ओके, और जीएस कार्टर ने रेस्पिरेशन की स्टेजेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट, ओके, फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ओके, लुक एट दिस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लंग्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रीथिंग, ओके। याद रखना कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इसको हम क्या भी बोल देते हैं, इसको वेंटिलेशन भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेंटिलेशन भी बोल देते हैं, ओके, एंड इसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रीथिंग भी कह देते हैं, थर्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, वेंटिलेशन एंड क्या है, ब्रीथिंग। मींस क्या होता है, देखो वेंटिलेशन या ब्रीथिंग मींस होता है कि इसमें रेस्पिरेशन, ठीक है ना, कि रेस्पिरेशन का पार्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन या फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, ठीक है। अच्छा, इसको वेंटिलेशन या ब्रीथिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर भी शामिल होता है, ओके। देखो अपन नॉर्मल सी बात कर लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये क्या है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है, ओके, और इस एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से क्या, O2 किसके थ्रू, नोज के थ्रू बॉडी में एंट्री कर रही है, ओके, और बॉडी में एंट्री कर रही है, और कहां पहुंच रही है वो, देखो अपन बात कर लेते हैं यहां, सॉरी ये,
ठीक है, इसका मतलब O2 है वो कहाँ पहुंची, लंग्स में। ये क्या है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से कहाँ पहुंचा, ठीक है ना, लंग्स में। तो इसका मतलब इसको हमने क्या नाम दिया, ब्रीथिंग, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर भी क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है, ठीक है, या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कौन, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। ओके, तो नाउ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लंग्स। ओके, एनवायरनमेंट एंड लंग्स, तो गैसियस एक्सचेंज किसके बीच हो रहा है, और यहां से हम बात करें तो ये CO2 क्या होती है, बाहर। तो देखो दोनों ही प्रोसेस में ऑक्सीजन को इनहेल किया और CO2 को एक्सहेल किया, लेकिन इन दोनों ही प्रोसेस में हमने देखा एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर क्या है, इसके साथ शामिल है। इसको एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहां पहुंची, लंग्स, और लंग्स से CO2 को क्या किया गया, बाहर एक्सटर्नल या एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट में छोड़ा गया। ओके, नेक्स्ट, सेकंड स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, देखो इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करते हैं अब हम। इंटरनल रेस्पिरेशन को टू स्टेप में डिवाइड किया गया है, और इंटरनल रेस्पिरेशन को टू स्टेप में कैसे डिवाइड किया गया, देखो हमने बात की कि ये क्या है, ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड हुआ, और ये क्या है, लंग्स हो गए, ठीक है, हम बात कर रहे थे। तो हमने देखा कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या वेंटिलेशन या ब्रीथिंग में क्या हुआ, O2 कहां एंट्री की, लंग्स में, कहां से, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से, और CO2 यहां से बाहर। ओके, अब देखो O2 अंदर आई, अब इस O2 को लंग्स में कहां पहुंचाया जाता है, लंग्स में हम देखते हैं, देखो इस O2 को हमने कहां पहुंचाया, ये स्ट्रक्चर देखी होगी, देखिए ये क्या है, एल्वियोली, क्या है ये, एल्वियोली जो कहां होती है, देखो लंग्स में हम बात करें तो इस तरह से लंग्स में क्या होंगी, ये एल्वियोली होती है। ओके, अब देखो एल्वियोली है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब है कि गैसियस एक्सचेंज लंग्स टू ब्लड। लंग्स की मेन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या कहलाती है, एल्वियोली। ओके, मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स, क्या आंसर होगा, एल्वियोली। ओके, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या देखा कि O2 यहाँ से चली और O2 कहाँ आ गई, ये लो, एल्वियोली में, और यहाँ हम देखते हैं ब्लड वेसल्स होती हैं, ये क्या है, ब्लड वेसल्स, और इसमें ये क्या है, RBC है। ओके, हम देखते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन मीन्स कि एल्वियोली से जो O2 है वो कहाँ आएगी, लंग्स से ब्लड में, काई लंग्स से ब्लड में, यानी लंग्स का कौन सा पार्ट, एल्वियोली, एल्वियोली से इसको किस में लाया गया, ब्लड वेसल्स में, ये RBC बनाई है मैंने, याद रखना। इधर हम बात करें और यहां से CO2 किस में, CO2, और यहां से होती हुई लंग्स के थ्रू ये बाहर जा रही है। ओके, लेकिन हमको केवल यहां तक ही देखना है, क्या, कि एल्वियोली किसका पार्ट है, लंग्स का, इसका मतलब जो ऑक्सीजन और CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो
इनर O2 एंड CO2 का एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड। इसका मतलब O2 है वो किस में आई? ब्लड में। अब देखो एक चीज याद रखना कि O2 ब्लड में कैसे आती है, CO2 कैसे जाती है, तो इसमें हम आगे जब अपन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे रेस्पिरेशन की तो उसमें पूरी फिर फुल्ली डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल इतना हमें केवल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम किसकी? इंटरनल रेस्पिरेशन की। तो इंटरनल रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में तो फर्स्ट पॉइंट, मैंने इंटरनल रेस्पिरेशन को कितने पार्ट में बांटा? दो में। गैसियस एक्सचेंज लंग टू ब्लड एंड गैसियस एक्सचेंज ब्लड टू टिश्यू ब्लड। ओके, यानी हमने क्या देखा कि लंग्स से ऑक्सीजन आई ब्लड में और यहां ब्लड से ये ऑक्सीजन है ये ब्लड के थ्रू कहां पहुंचेगी? देखो मान लो ये कोई टिश्यू है तो इस टिश्यू में ब्लड के थ्रू क्या पहुंचेगी? ऑक्सीजन पहुंच गई और यहां से जो CO2 है वो क्या होगी? बाहर आ जाएगी। ओके, ये हो गया तुम्हारे और ये क्या है? टिश्यू ब्लड। ये देखो तो आ रहा होगा बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट अगला क्या है? थर्ड स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, इंटरनल रेस्पिरेशन समझ में आ गया कि गैसियस एक्सचेंज एल्वियोली से ब्लड में और ब्लड से कहाँ हो गया? टिश्यू ब्लड में आया। ओके ना, उसके बाद हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। देखो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये क्या है? एक सेल है। ओके, ये क्या है? एक सेल है। इस सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, अब देखो हमने बात की थी कहां? यहां ये एल्वियोली थी और एल्वियोली से O2 थी वो किस में आई? ब्लड वेसल्स में या ब्लड में। ओके, अब देखो ब्लड में एक तो क्या था? O2। और ब्लड में दूसरा क्या है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज किसमें एंट्री किया? सेल में, ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू? बाय ब्लड। ग्लूकोज एंटर इनटू सेल बाय ब्लड। ओके, नेक्स्ट देखो यहां ये O2 भी किसमें एंट्री की? सेल में बाय ब्लड। ओके, अब क्या हुआ? यहां हमने देखा कि इस ग्लूकोज को, ठीक है, किसमें? सेल के अंदर, और सेल के अंदर ग्लूकोज से कौन? ऑक्सीजन। O2 क्या करेगी? ग्लूकोज से क्रिया, और इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन हुआ, और इस ऑक्सीडेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू किसको जनरेट किया गया, किसका या किसको रिलीज किया गया? ATP। क्या रिलीज की गई? ATP। ध्यान करना, O2 को लंग्स के थ्रू या एल्वियोली के थ्रू ब्लड में पहुंचाया और ब्लड से क्या हुआ? O2 सेल में गई। इधर ग्लूकोज है, ग्लूकोज को भी कहाँ भेजा? सेल में भेजा। देखो रेस्पिरेशन का हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं कि C6H12O6 प्लस 6O2 क्या हुआ? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। हम केवल सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस हुई ना कि O2 ने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज करके ग्लूकोज को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, ठीक है। ओके, कैटाबोलिक रिएक्शन के थ्रू, और इससे किसका प्रोडक्शन किया गया? ATP का। और अब एक चीज याद रखना, इस ATP का तो क्या किया जाता है? देखो याद रखना, इस ATP का होता है क्या? यूटिलाइज। ओके, और इस CO2 यानी जो CO2 बनी इसमें ATP और क्या बनी? CO2। इस CO2 को क्या कर दिया जाता है? रिलीज कर दिया जाता है ब्लड में। ओके, ATP का तो क्या कर लिया? यूटिलाइज। और इसको क्या किया गया? CO2 को क्या कर दिया गया? रिलीज। ओके, इसी प्रोसेस को, यानी ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोल देते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट GS Carter देर आर 3 स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन. फर्स्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लंग्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रीथिंग एंड आल्सो वेंटिलेशन. ओके, एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड टू टिश्यू ब्लड. ओके, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड. ओके, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सेल इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड. ओके, तो इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज किया गया और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आफ्टर दिस प्रोसेस एंड दिस मैकेनिज्म रिलीज एटीपी. ओके, या प्रोडक्शन एंड CO2. ओके, तो CO2 रिलीज इन ब्लड एंड ब्लड से इसको वापस कहां कब भेज दिया जाएगा, लंग्स में, और लंग्स से वापस इसको कहां भेज दिया जाएगा, एनवायरमेंट में. लेकिन एटीपी को क्या किया गया, यूटिलाइज कर दिया जाता है. ओके, ये हो गया अपना स्टेटस आफ्टर दिस प्रोसेस. ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन. डिफरेंट एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. तो कौन सा एनिमल किस ऑर्गन को यूज में लेता है रेस्पिरेशन के लिए. ओके, तो इसके बाद में स्टूडेंट्स बाद में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू. ओके.